आज की क्लास में हम डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन के बारे में पढ़ेंगे। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, इवन दो लैन सेव्स लॉट्स ऑफ मनी इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज शेयरिंग, द इनिशियल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन सेटिंग अप द नेटवर्क इन क्वाइट हाई, दिस इज मेनली ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आर स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट इज नीडेड टू मेक अ सर्वर। इन एडिशन टू दैट, परचेजिंग द हार्डवेयर इक्विपमेंट सच एज रूटर्स, हब्स, स्विचेस एंड केबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सेटअप। भले ही लैंड रिसोर्सेज शेयर करने के मामले में बहुत सारा पैसा बचाता है, लेकिन नेटवर्क स्थापित करने में शामिल प्रारंभिक कॉस्ट काफ़ी अधिक है। यह मुख्य रूप से एक विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के कारण होता है। इसके अलावा हार्डवेयर डिवाइस जैसे रूटर, हब, स्विच और केबल की खरीद पहली बार सेटअप के लिए आवश्यक है। पॉलिसी वॉलेशन, सिंस ऑल द डेटा ऑफ द कनेक्टेड कंप्यूटर्स आर स्टोर्ड इनसाइड अ सेंट्रल सर्वर, अनऑथोराइज्ड यूजर्स कैन व्यू ऑल द ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड डाउनलोड्स ऑफ ऑल द कनेक्टेड कंप्यूटर्स। स्पेशली द लैन एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ द अथॉरिटी टू चेक पर्सनल डेटा ऑफ ईच एंड एवरी लैन यूजर्स, therefore this can lead to policy violation। चूंकि जुड़े हुए कंप्यूटर्स के सभी डेटा एक सेंट्रल सर्वर के अंदर स्टोर होते हैं, अनऑथोराइज यूजर सभी कनेक्टेड कंप्यूटर्स के सभी ब्राउजिंग हिस्ट्री और डाउनलोड को देख सकते हैं। विशेष रूप से लैन एडमिनिस्ट्रेटर के पास पर्सनल डेटा को चेक करने का अधिकार होता है, इसलिए इससे पॉलिसी वॉयलेशन हो सकते हैं। सिक्योरिटी, सिंस इट इज रादर इजी टू गेन एक्सेस टू प्रोग्राम एंड अदर टाइप ऑफ डेटा, सिक्योरिटी कंसर्न आर अ बिग इशू इन लैन। द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप अनऑथोराइज्ड एक्सेस इज इन द हैंड्स ऑफ लैन एडमिनिस्ट्रेटर। The LAN administrator has to make sure that the centralized data is properly secured by implementing correct set of rules and privacy policies on the server। क्योंकि प्रोग्राम और अन्य प्रकार के डेटा तक पहुंच प्राप्त करना आसान है, इसलिए LAN में सिक्योरिटी चिंताएं एक बड़ा मुद्दा है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए एकमात्र जिम्मेदारी लैन एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों में है। लैन एडमिनिस्ट्रेटर को यह सुनिश्चित करना होता है कि सर्वर पर नियमों और प्राइवेसी पॉलिसीज के सही सेट को लागू करके सेंट्रलाइज्ड डेटा ठीक से सिक्योर रहे। मेंटेनेंस, लैन ऑफन फेसेस हार्डवेयर प्रॉब्लम्स एंड सिस्टम फेलियर, hence it requires a special administrator to look after these issues। The administrator needs to be well knowledgeable in the field of networking and needed at its full-time job। LAN अक्सर hardware problems और system failure का सामना करता है, इसलिए इन issues को देखने के लिए इसे एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता है। एडमिनिस्ट्रेटर को नेटवर्किंग के क्षेत्र में अच्छी तरह से जानकार होना चाहिए। एरिया कवरेज, लैन इज यूजुअली मेड टू कवर अप अ लिमिटेड डिस्टेंस अप टू 10 किलोमीटर। मोस्ट प्रोबेबली इट इज ऑपरेटेड इन ए स्मॉल एरियाज सच एज इन ऑफिसेस, banks and schools। This is because its cabling system cannot be extended more than a certain range। LAN आमतौर पर सीमित दूरी 10 किलोमीटर तक को कवर करने के लिए बनाया जाता है,
शायद यह छोटे एरिया जैसे ऑफिसेस, बैंक्स और स्कूल्स में संचालित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके केबलिंग सिस्टम को एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। सर्वर क्रैशेस। सेंट्रल सर्वर विच इज प्रेजेंट ऑन द लैन आर्किटेक्चर मैनेजेस ऑल द अटैच्ड कंप्यूटर्स। इफ इन केस द सर्वर एनकाउंटर्स एनी फॉल्ट, ऑल द कनेक्टेड कंप्यूटर्स आर अफेक्टेड टू। फॉर एन एग्जाम्पल, if the files on the server gets corrupted, no more data on the attached computers can be accessible. Central server जो LAN architecture पर मौजूद है सभी attached computers को manage करता है। यदि server पर कोई खराबी आ जाती है तो सभी जुड़े हुए computers भी प्रभावित होते हैं। Example के लिए, यदि server पर files corrupted हो जाती हैं तो अटैच्ड कंप्यूटर्स पर कोई और डेटा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। मालवेयर स्प्रेडिंग। अपीयरेंस ऑफ वायरस इन अ लैन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज हाईली डेंजरस। इफ वन द अटैच्ड कंप्यूटर्स आर अफेक्टेड विद अ वायरस, इट कैन इजीली स्प्रेड टू द रिमेनिंग कंप्यूटर्स प्रेजेंट ऑन द नेटवर्क। लैन आधारित या लैन बेस्ड स्ट्रक्चर में वायरस की उपस्थिति बेहद डेंजरस है। यदि एक अटैच्ड कंप्यूटर वायरस से अफेक्ट होता है तो यह आसानी से नेटवर्क पर मौजूद रिमेनिंग कंप्यूटर्स में फैल सकता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन इज अ नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स यूजर with computer resources in a geographical area or region larger than that covered by even a large local area network but smaller than the area covered by a wide area network WAN. MANs are formed by connecting multiple LANs, thus MANs are larger than LANs but smaller than wide area network WANs. मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क लैन नेटवर्क से बड़े और वैन नेटवर्क से छोटे एरिया को कवर करता है। इस नेटवर्क की मदद से हम एक जियोग्राफिकल एरिया या एक बड़े क्षेत्र के यूजर को कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हैं। दे आर एक्सट्रीमली इफिशियंट एंड प्रोवाइड फास्ट कम्युनिकेशन विद हाई स्पीड कैरीज सच एज फाइबर ऑप्टिक केबल्स। The purpose of the system is to provide the link to the internet in the long run. A MAN mostly work on the data link layer, which is layer 2 of the Open System Interconnection OSI model. A metropolitan area network MAN is a computer network larger than a local area network, covering an area of a few city blocks to the area of entire city. Possibly allow including the surrounding area. They are used to build network with high data connections speed for cities and towns. MAN network को बचाने के लिए बहुत सारे LAN network को आपस में एक दूसरे से जोड़ना होता है। यह network बहुत सारे LAN network का collection होता है। MAN network की मदद से हम एक शहर को internet से जोड़ सकते हैं। एक MAN network को बनाने के लिए optic फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ मैन नेटवर्क। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ मैन नेटवर्क, सम ऑफ देम गिवन बिलो। मैन नेटवर्क के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन उनमें से कुछ हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है लेस एक्सपेंसिव। इट इज लेस एक्सपेंसिव टू अटैच मैन विद वैन नेटवर्क। MAN gives you good efficiency of data. All data on MAN is easily manageable in a centralized way. MAN को WAN network से जोड़ना कम खर्चीला है। MAN आपको data की good efficiency देता है। MAN पर सभी data को centralized तरीके से आसानी से manage किया जा सकता है। Sending local emails. You can send local email fast and free on MAN.
आप मैन पर लोकल ईमेल तेजी से और फ्री में भेज सकते हैं। हाई स्पीड देन वैन, द स्पीड ऑफ डेटा कैन ईजिली रीच 1000 Mbps एज मैन यूज फाइबर ऑप्टिक्स, फाइल्स एंड डेटाबेस ट्रांसफर रेट आर फास्ट। जैसे ही मैन फाइबर ऑप्टिक का उपयोग करता है, डेटा की स्पीड आसानी से 100 Mbps तक पहुँच सकती है। फाइल्स और डेटाबेस ट्रांसफर रेट हाई होते हैं। शेयरिंग ऑफ द इंटरनेट, विद द इंस्टॉलेशन ऑफ मैंस यूज़र कैन शेयर देयर इंटरनेट कनेक्शन। इन दिस वे मल्टीपल यूज़र कैन गेट द सेम हाई स्पीड इंटरनेट। मैन को इंस्टॉल करने के साथ मैन को इंस्टॉल करने के साथ यूज़र अपने इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं। इस तरह अनेक यूज़र एक ही हाई स्पीड इंटरनेट प्राप्त कर सकते हैं। कन्वर्सेशन ऑफ लैन टू मैन इज ईजी। मैन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लैन नेटवर्क, सो इट इज़ फास्टर वे टू कनेक्ट टू लैन नेटवर्क्स टूगेदर। इट इज़ पॉसिबल बाय द फास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिंक्स। मैन दो या दो से अधिक लैन नेटवर्क्स का कॉम्बिनेशन है। यह दो लैन नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का फास्ट मीडियम है। हाई सिक्योरिटी, मैंस हैज़ अ हाई सिक्योरिटी लेवल देन वैन। मैन का वैन के कंपैरिजन में हाई सिक्योरिटी लेवल होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन नेटवर्क, डिफ़िकल्ट टू मैनेज। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज इफ़ द साइज एंड नंबर ऑफ लैन नेटवर्क्स इंक्रीजेस। दिस इज़ ड्यू टू सिक्योरिटी एंड एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम। अगर लैन नेटवर्क का साइज और नंबर बढ़ जाते हैं तो इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। यह सुरक्षा और अदर कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम के कारण एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम्स के कारण होता है। इंटरनेट स्पीड डिफरेंस, एज इट कैन नॉट वर्क ऑन फोन कॉपर वायर अफेक्ट द स्पीड ऑफ मैन, सो हाई कॉस्ट इज नीडेड फॉर फाइबर ऑप्टिक। जैसे यह फ़ोन कॉपर वायर पर काम नहीं कर सकता, कॉपर के तार मैन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, इसलिए फाइबर ऑप्टिक के लिए हाई कॉस्ट की आवश्यकता होती है। हैकर्स अटैक, इन दिस नेटवर्क देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ अटैकिंग हैकर्स एज कम्पेयर टू लैन, सो डेटा मे बी लीक। हाईली सिक्योरिटी स्टाफ इज नीड इन मैन। इस नेटवर्क में लैन की तुलना में हैकर्स के अटैक का खतरा ज़्यादा होता है, तो डेटा लीक हो सकता है। मैन में अत्यधिक सिक्योरिटी स्टाफ की आवश्यकता होती है। टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर टू सेटअप, हाईली टेक्निकल पीपल रिक्वायर टू सेटअप मैन। द टेक्निकल प्रॉब्लम आर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ट्रबल शूटर्स। मैन के सेटअप के लिए टेक्निकल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। टेक्निकल पर्सन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नीड मोर वायर्स, इन मैन मोर देन लैन नेटवर्क केबल रिक्वायर। एज यू नो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैंस। मैन में लैन नेटवर्क से अधिक केबल की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि यह दो लैंस का कॉम्बिनेशन होता है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन, द नेटवर्क विच इज़ स्प्रेड ओवर द ग्लोब एंड कवर एंटायर वर्ल्ड इज फैसिलिटेटेड टू अ कंप्यूटर बाय इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। इट इज बिगेस्ट नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। इन द ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड एंड शेयर और एक्सेस द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। दिस वेरी नेटवर्क is used all the way nowadays, for example finance sector, banking sector, share markets and many more. Through wide area network we can access the information stored far away on the web server in seconds. The only things we need is to know the address of the data or information stored. वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि एक बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया
जैसे कि एक शहर से किसी दूसरे शहर या फिर किसी देश से दूसरे देश के साथ नेटवर्किंग का काम करता है। वैन नेटवर्क का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंटरनेट है। इंटरनेट सबसे बड़ा वैन नेटवर्क होता है। वैन नेटवर्क बनाने के लिए बहुत सारे लैंड नेटवर्क मैन नेटवर्क को जोड़ा जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क या वैन एक पूरे देश या पूरे विश्व में स्प्रेड होता है। इस नेटवर्क का कवरेज एरिया बाकी सभी नेटवर्क्स में से सबसे ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी एक कंपनी के ऑफिस अलग अलग शहरों में मौजूद हैं और सभी ऑफिसेज में लैन नेटवर्क भी बना हुआ है, तो इन सभी ऑफिसेज के लैन नेटवर्क्स को जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क वैन बना सकते हैं। इस तरीके से हम एक शहर के ऑफिस के लैन नेटवर्क में मौजूद सारे कंप्यूटर्स को किसी दूसरे शहर के ऑफिस के लैन नेटवर्क में मौजूद सारे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करा सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वैन। वैन कवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, हेंस बिजनेस ऑफिसेस सिचुएटेड एट लॉन्गर डिस्टेंस कैन ईजिली कम्युनिकेट। वैन बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, इसलिए लंबी दूरी पर स्थित बिजनेस ऑफिसेस आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक लैन, इट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स अमंग डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क स्टेशंस और यूजर्स। लैन की तरह यह डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क स्टेशंस या यूजर्स के बीच रिसोर्सेज और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शेयर करने की अनुमति देता है। द सॉफ्टवेयर फाइल शेयर्ड अमंग ऑल यूजर्स, हेंस ऑल विद हैव टू एक्सेस टू इट लेटेस्ट फाइल, दिस अवॉइड यूज ऑफ प्रीवियस वर्जन बाय देम। सॉफ्टवेयर फाइल सभी यूजर के बीच शेयर की जाती है, इससे सभी लेटेस्ट फाइल को एक्सेस कर सकेंगे। यह उनके द्वारा प्रीवियस वर्जन के यूज को अवॉइड करता है। ऑर्गेनाइजेशंस कैन फॉर्म देयर ग्लोबल इंटीग्रेटेड नेटवर्क थ्रू वैन। मोर ओवर इट सपोर्ट्स ग्लोबल मार्केट एंड ग्लोबल बिजनेसेस। ऑर्गेनाइजेशन वैन के माध्यम से अपना ग्लोबल इंटीग्रेटेड नेटवर्क बना सकते हैं। इसके अलावा यह ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल बिजनेसेस का समर्थन करता है। द एमर्जेंस ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एडवांस्ड वायरलेस टेक्नोलॉजीज सच एज LAN और LAN एडवांस्ड हैव मेड इट ईजी फॉर द ग्रोथ ऑफ वैन बेस्ड डिवाइसेस। मैसेजेस कैन बी सेंट वेरी क्विकली अक्रॉस द ग्लोब विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सच एज WhatsApp, Facebook, मैसेंजर एक्सेट्रा। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एडवांस्ड वायरलेस टेक्नोलॉजीज जैसे वैन या वैन एडवांस के उद्भव से वैन आधारित डिवाइसेस के विकास को आसान बना दिया है। WhatsApp, Facebook, मैसेंजर आदि जैसे एप्लीकेशंस की मदद से दुनिया भर में मैसेज बहुत जल्दी भेजे जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आर हाई। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हाई है। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन द नेटवर्क। इट रिक्वायर्स स्किल्ड टेक्नीशियंस एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क को मेंटेन करना मुश्किल है, इसके लिए स्किल्ड टेक्नीशियन और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता होती है। There are more errors and issue due to wide coverage and use of different technologies. Often it requires more time to resolve issues due to involvement of multiple wired and wireless technologies. विभिन्न टेक्नोलॉजीज के वाइड कवरेज और उपयोग के कारण अधिक एरर और इशू होते हैं। अक्सर कई वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजीज की इन्वॉल्वमेंट के कारण इशूज को सॉल्व करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। It has lower security compared to LAN and MAN due to wider coverage and use of more technologies. Wide coverage और अधिक technologies के उपयोग के कारण LAN और MAN की तुलना में इसमें सुरक्षा कम है। Security is big concern
and require use of firewall and security software protocols at multiple points across the entire system. सुरक्षा बड़ी चिंता का विषय है और पूरे सॉफ्टवेयर में अनेक पॉइंट्स पर फायरवॉल और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स के उपयोग की आवश्यकता होती है। तो ये हमने नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा, लैन, मैन और वैन के बारे में। अब हम नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इन नेटवर्किंग टोपोलॉजी रेफर टू द लेआउट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, or we can say that the topology refer to the configuration of cables, computers and other peripherals. Topology determines the complexity of connecting computers and therefore the cost of network cable installation. Networking में topology एक computer network के layout को refer करता है, या हम कह सकते हैं कि topology cable, कंप्यूटर और अदर पेरिफेरल के कॉन्फ़िगरेशन को यू रेफर करता है। टोपोलॉजी कंप्यूटर को जोड़ने की जटिलता और नेटवर्क केबल के इंस्टॉलेशन की लागत को निर्धारित करती है। टोपोलॉजी कैन बी डिस्क्राइब्ड आइदर फिजिकल और लॉजिकली। टोपोलॉजी को फिजिकल या लॉजिकल के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। फिजिकल टोपोलॉजी मीन्स द प्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द नेटवर्क including the location of the devices or the layout of the cable. Logical topology maps the law of data. Two networks could, for example, have completely different physical topologies and have the same logical topology or vice versa. Physical topology network ki vastavik ya bhautik sanrachna ko describe karta hai, अर्थात फिजिकल टोपोलॉजी नेटवर्क के स्ट्रक्चर को बताता है, जबकि लॉजिकल टोपोलॉजी उस तरीके को निर्धारित करती है जिसमें डेटा वास्तव में नेटवर्क के माध्यम से एक डिवाइस से अन्य तक पहुंच जाता है। फिजिकल टोपोलॉजी वह तरीका है जिसमें आप फिजिकल रूप से नेटवर्क को मैप की तरह बनाते हैं, और लॉजिकल टोपोलॉजी वह तरीका है जिसमें नेटवर्क पर जानकारी प्रभावित होती है। There are following topologies used in network. यहाँ पे कुछ topologies दी गई हैं जो network में use की जाती हैं, जैसे bus topology, star topology, ring topology, tree topology and mesh topology. इन topologies के बारे में हम next class में पढ़ेंगे।